सीए कार्यकर हवार पर प्रथम नागरिकत्व प्रथम दफाय 14 जन के नागरिकत्व दिल केंद्र सरकार पंचम दफा भोटे आगे 14 जन नागरिकत्व पेलें पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशे शरणार्थी नागरिकत्व दिल केंद्र सरकार पोर्टाले आवेदन पड़े नागरिकत्व शंसापत्र दिल केंद्र अपनारा जानें पोर्टाले आवेदन कथा केंद्र सरकार से ही पोर्टाले आवेदन पर नागरिकत्व शंसापत्र दिल पंचम दफार भोटे आगे प्रथम दफाय 14 जन नागरिकत्व पेलें प्रथम 300 लोगों को नागरिकता मिलने जा रही है। ये देश का कानून है स्मिता जी और इसको इस तरह से झुठलाया नहीं जा सकता। जो हिंदू सिख बौद्ध जैन क्रिश्चियन भारत पाकिस्तान अरे पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए वो सारे लोग 2014 के पहले जो शरणार्थी बनकर आए उनका अधिकार है डॉक्यूमेंट हो न हो उनको नागरिकता मिले। सीए कार्यकर हवार पर प्रथम नागरिकत्व दिल केंद्र प्रथम दफाय 14 जन नागरिकत्व पेलें पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशे शरणार्थी नागरिकत्व दिल केंद्र पंचम दफा भोटे आगे 14 जन के नागरिकत्व दिल केंद्र सरकार पोर्टाले आवेदन पर यह नागरिकत्व तादेर दिल केंद्र सरकार तादेर शंसापत्र देवा हुए छे। सीए कार्यकर हवार पर यह प्रथम नागरिकत्व पेलें 14 जन पंचम दफा भोट सामने ही रही है तार आगे प्रथम दफाय 14 जन के नागरिकत्व दिल केंद्र पोर्टाले आवेदन करेछिलेन तारा सेई आवेदनेर भित्तिते तारा नागरिकत्व शंसापत्र पेलें। बंगाल में जो इलेक्शन रिलेटेड हिंसा होती है उसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमें? देखिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है एक जमाने में यूपी बिहार में रैगिंग होती थी चुनाव आयोग प्रिवेल कर गया रैगिंग समाप्त हो गई धीरे धीरे चुनावी कल्चर भी बदला। एक जमाने में आतंकवादी कश्मीर के अंदर वोटिंग ही नहीं होने देते थे दो दिन पहले वहां पर भी 35% वोटिंग हुई एक रिकॉर्ड है मतलब आतंकवाद जब से शुरू हुआ तब से अब तक का रिकॉर्ड है। परंतु बंगाल एक देश का एक हिस्सा ऐसा रह गया है और इसके लिए जिम्मेदार टीएमसी सरकार है जहां चुनाव के बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं लेती है। गत विधानसभा चुनाव के बाद 10 दिन में 53 लोग मरे। चुनाव की बाद चुनावी हिंसा छोड़ दीजिए पर यहाँ हाईकोर्ट ने ऑर्डर करना पड़ेगा। आप व्हाट्सएप पे पर्चा डाल रहे हो जब पार्टी की एक्सपांशन की एक्सरसाइज चलती है नीचे कोई दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता बनते हैं तो उनको लटका दिया जाता है। कोई टीएमसी छोड़कर यहाँ आएगा तो उसको फांसी चढ़ा देते हैं और कहते हैं आत्महत्या कर दी। मैंने ऐसा दृश्य कहीं नहीं देखा। एक जमाने में केरल में भी हिंसा होती थी परंतु केरल की हिंसा मारपीट वाली होती थी तो गरीब लोगों को आप फांसी पे लटका दोगे जिंदा जला दोगे। कई सारी ऐसी घटनाएं हैं। मैं तो आपकी चैनल से दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे दृश्य ढूंढ लीजिए फांसी चढ़ने वाले और जिंदा जलने वाला एक आदमी अपना वीडियो कर अपील करता है मैं तो जलकर मरने वाला हूं आप इस शासन को बदलिए। पर इलेक्शन कमीशन ने 7 फेजेस में चुनाव किए थे सेंट्रल फोर्सेस इतने भेजे गए हैं फिर भी हो रहा है ये? देखिए इस बार पहली बार चुनाव के दौरान हिंसा नहीं हो रही मगर गत चुनाव में भी चुनाव के दरमियान कम हिंसा हुई जीतने के बाद ममता जी ने हिंसा का तांडव खेला और कही हमारी तो शपथ ही नहीं हुई तो वैक्यूम पीरियड जो है उसका वो उपयोग करती है। मैं मानता हूं वैक्यूम पीरियड में भी इलेक्शन कमीशन ने सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए क्योंकि शपथ के बाद तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब तक वैक्यूम पीरियड है इसकी चिंता करनी चाहिए। ममता बनर्जी जो है वो हर एक रैली में कहती हैं कि सीए का फॉर्म मत साइन कीजिए आपको नागरिकता नहीं मिलेगी और आप कहते हैं कि डरना नहीं चाहिए सत्य। देखिए आज ही मैं आपको एडवांस में समाचार दे रहा हूं दिल्ली में प्रथम 300 लोगों को नागरिकता मिलने जा रही है। ये देश का कानून है स्मिता जी और इसको इस तरह से झुठलाया नहीं जा सकता। जो हिंदू सिख बौद्ध जैन क्रिश्चियन भारत पाकिस्तान अरे पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए वो सारे लोग 2014 के पहले जो शरणार्थी बनकर आए उनका अधिकार है डॉक्यूमेंट हो न हो उनको नागरिकता मिलेगी।